नाजरीन आदाब, न्यूज़ एक्सप्रेस की खसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करते हैं। रुकन कानून साज काउंसिल MLC व साबिका रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद मोहतरमा के कविता ने आज ट्विटर के अपने मुसद्दिका हैंडल पर हिजाब और मुस्कान खान की तायद में अपने हाथ से हिंदी में तहरीर करदा एक नज़म पोस्ट की। इन्होंने इस हिंदी पोस्ट के साथ अंग्रेजी में लिखा कि सिंदूर पहनना और लगाना मेरा शऊरी इंतखाब है, हिजाब पहनना मुस्कान खान का इंतखाब है। खवातीन को फैसला करने दें कि वो किस चीज़ को पसंद करती है और ख़ुद को आरामदा महसूस करती है, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाजरीन, आइए हम खुद इनके ख्याल से वाकिफियत हासिल करते हैं। बहुत ही सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जागती होते हुए आ रहा है और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे। और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मजहबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दें, लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का, ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल खराब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ खराब हो जाएंगी। स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत, जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है। लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं होनी चाहिए।